الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. अज़ीज़ान गिरामी, अभी हम मैंने आपके सामने सूरह बकरा की पहली पांच आयतों की तिलावत की, जिसकी तर्जुमानी इस तरह है। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, इसका इल्म अल्लाह सुबहान व तआला ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज को कायम करते हैं और जो कुछ हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। और ये वो लोग हैं जो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो नाजिल किया गया है उस पर ईमान रखते हैं और जो आपसे पहले नाजिल हुआ है उस पर भी ईमान रखते हैं। और ये वो लोग हैं जो रब की हिदायत पर हैं और यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। तो आज मैं आपके सामने जो इन आयतों के जो इब्तदाई आयत है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, इस पे कुछ रोशनी डालूँगा ताकि हम लोग कुरान के पढ़ने पढ़ाने के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कि अल्लाह सुबहानहु तआला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के पढ़ने पढ़ाने के लिए क्या हिदायतें हमको जो है दी हुई हैं। कुछ अहादीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि कुरान को हम क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसके फ़वाद हैं ज़िंदगी में, आलम बरज़ख में और फिर आखिरत में। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस है, कि रोज़े क़ियामत बंदे से कहा जाएगा कि तू कुरान पढ़ता जा और दर्जात चढ़ता जा, यानी जो जन्नत के दर्जात हैं वो चढ़ता जा और तेरा आखिरी दर्जा वहाँ होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत ख़त्म होगी। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जो साहिब कुरान है, आप देखिए अगर वो पूरा कुरान अगर पढ़ लेते हैं तो कुरान करीम में 6234 आयतें हैं, 6266 नहीं है, कोई भी काउंट कर सकता है, और 323732 हरूफ हैं। और वो हदीस भी हम जानते हैं कि एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां हैं, और अगर 323732 अगर आयत में हरूफ पढ़ रहा है तो 10 × 10 कितना जो है अजर होगा। तो उस शख्स की जो है आखिरी दर्जा वहाँ होगा जो आखिरी आयत जो है ख़त्म होगी उसकी। इसी तरह हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लम अल-क़ुरान व अल्लम, तुम में से बेहतर शख्स या बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, या सो कुरान पढ़े और पढ़ाए। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, इमाम मुस्लिम ने इसे कोट किया है, कि जहाँ मस्जिद में अगर कुछ लोग कुरान के पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो अल्लाह सुबहानहु तआला उनके दिलों पर सकीनत नाजिल फरमाता है और फिर उनका जिक्र उन लोगों में करता है जो उसके पास होते हैं, यानी फरिश्तों में जो है करता है। इसी हदीस को अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की गई है, इमाम बुखारी ने इसको जो है कोट किया है,
उसमें ये फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ कहीं कुरान को पढ़ा जाता है, दर्स दुरूस की मजलिसें होती हैं, वो फरिश्ते जो आसमानों में और गलियों में घूमते फिरते रहते हैं, सरगर्दा रहते हैं तलाश में ऐसी महफिलों के जहाँ कुरान को पढ़ा और पढ़ाया जाता है, तो वो उन्हें अपने परों से घेर लेते हैं और फिर जो है जो दूसरे फरिश्ते हैं उनको पुकार के अपनी तरफ बुलाते हैं, हलुम्मा इला हाजतकुम, हलुम्मा इला हाजतकुम, आओ हमारी हाजत यहाँ पर है, आओ हमारी हाजत यहाँ पर है। इस तरह वो फरिश्ते जो है उन लोगों को अपने परों के घेरे में ले लेते हैं, यहाँ तक कि आसमान तक पहुँच जाते हैं। वहाँ अल्लाह सुबहाना व तआला इन लोगों का ज़िक्र फरिश्तों में फरमाते हैं। लंबी हदीस है, उसका आखिरी हिस्सा मैं आपके सामने बयान करता हूँ वक्त की तंगी की बिना पर, कि अल्लाह सुबहाना व तआला फरमाते हैं कि तुम सब लोग गवाह रहना, मैंने इन लोगों को बख्श दिया। इमाम बुखारी की हदीस है। एक फरिश्ता उसमें से कहता है कि या रब्बुल इज्जत, एक शख्स इसमें ऐसा भी है जो दुनियावी गर्ज़ से यहाँ आया था लेकिन यहाँ दर्स हो रहा था, वो बैठ गया वहाँ पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यख्श जलिसु, यानी आज यहाँ कोई महरूम नहीं रहेगा जो यहाँ बैठा है, गवाह रहना तुम लोग, मैंने उस शख्स को भी बख्श दिया। अल्लाहु अकबर। तो कुरान के पढ़ने पढ़ाने, दर्स दुरूस की महफिलों के जो अजर है वो बेशबहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस ताल्लुक से मालूमात हासिल करें। अज़ीज़ान गिरामी, अब आप देखें कि कुरान दुनिया में तो जो है हम इसके फ़वाद जानते हैं, लेकिन मरने के बाद आलम बरज़ख़ में, जब कब्र में जो है मैयत को दफन करके लोग चले जाते हैं, तो हम सब जानते हैं कि वहाँ सवाल जवाब होते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारा रब कौन है, कहा जाता है, बंदा जवाब देता है कि रब्बी अल्लाह, फिर माँ नबीका, नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ दीन, कौन सा तुम्हारा दीन क्या है, दीन अल इस्लाम। उसके बाद एक चौथा सवाल भी पूछा जाता है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, इमाम तिरमिज़ी इसको अपने किताब में ले आए हैं, कि चौथा सवाल भी पूछा जा सकता है, माँ युद्रिक, ये बातें तुझे कहाँ से मालूम हुई। फिर वो बंदा जवाब देता है क़िरातुल किताबुल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, कुरान पढ़ी, आमंतु बिही, उस पर ईमान ले आया, और सद्दक़्तु, और उस पर मैंने उसकी तस्दीक की। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो शख्स जो दुनिया में कुरान को पढ़ता है, उस पर ईमान लाता है, ईमान लाने का मतलब यह है कि उसके हर लफ्ज़ को और हर आयत पे जो है यकीन कामिल, यकीन मुहक्कम रखता है। मौका हो तो उसकी भी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा आखिर में इंशाअल्लाह। और फिर जो है उसकी तस्दीक करता है अपने अमल से और उसको दूसरों तक पहुंचा के, ऐसा ही शख्स उस चौथे सवाल का जवाब दे सकेगा और पहले तीन सवालात का भी। तो मतलब यह हुआ, यह बात हमारे सामने यह आई कि जो शख्स दुनिया में कुरान को पढ़ेगा समझेगा तो खबर के सवालात भी उसके लिए आसान हो जाएंगे, और फिर जब क़यामत में वो पहुँचेगा तो वहाँ जो है, अब इसकी वईदें देखिए, अगर दुनिया में अगर हम कुरान नहीं पढ़ते हैं तो अल्लाह सुबहानहु ताला क्या फरमाते हैं इस ताल्लुक़ से। सूरह तहा की आयत नंबर 124, 125, 126 फरमाया गया वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकं व नहशुरुहू यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो शख्स हमारी आयतों को या कुरान को कुरान के साथ एराज़ करेगा, उसे नज़रअंदाज करेगा, उसको पढ़ेगा नहीं, उसकी मईशियत, उसकी रोज़ी तंग हो जाएगी, यानी वो जो कमाएगा या जमा करेगा जो भी होगा वो तंग हो जाएगी, अल्लाह सुबहानहु ताला उसको तंग कर देंगे। और फिर यौम क़ियामत उसको अंधा उठाया जाएगा, वह नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और उसका हशर जो हशर से मतलब जमा होंगे, लोगों को जमा किया जाएगा, जहाँ वहाँ उसको अंधा उठाया जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, ज़रा तसव्वुर में लाके देखिए कि आखिरी सूर फूंका गया है, सारे लोग अरबों की तादाद में जो है खबरों से उठ रहे हैं और दौड़ रहे हैं, किसी को किसी का जो है एहसास नहीं है, बस सब दौड़े जा रहे हैं अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। ऐसे हालात में एक शख्स है, या ऐसे हज़ारों शख्स हो सकते हैं जो अंधे हैं,
हम एक आम मजमे में देखते हैं कि आंखें रखने वाले भी ज़रा अगर कमज़ोर हों तो गिर जाते हैं और लोग उसको खुंदलते हुए उसको रौनते हुए निकल जाते आगे, तो उस शख्स का क्या हाल होगा कि उस मौके पे वो अंधा होगा, लोग धक्के मारेंगे, गिरेगा, फिर उठेगा, फिर अच्छा बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रहेगी। वो कहेगा खाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वखद कुंत बसीरा, कहेगा कि या मेरे रब मुझे क्यों अंधा उठाया गया है, मैं तो आँखों वाला था दुनिया में, मैं तो दुनिया में देखने वाला था, फिर मुझे अंधा क्यों उठाया गया। कहा जाएगा खाला आयात का, खाला आयात का, खाला आतत का आयात ना, कि तेरे पास हमारी आयतें आई थी, फनसीता तूने उसे भुला दिया, वह कदा लिखा यौमल ख़ियामा आमा, और इसी तरह हम आज यौम क़ियामत के दिन तुझे भुला देंगे। तो इस आयत का या इन आयतों का मतलब हमारे सामने इस तरह आता है कि वो लोग जो दुनिया में जो है कुरान को नज़रअंदाज कर देते हैं, कुरान को पढ़ते नहीं हैं, मौका मिलता भी है, ख्याल भी आता है, देखते भी हैं आँखों से, लेकिन वक्त नहीं होता उनके पास, यानी अपने तौर पर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जाना है, और कुरान को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोगों की रोज़ी यहाँ पर तंग कर दी जाएगी और रोज़े क़ियामत उसको अंधा उठाया जाएगा। ये वईद जो है अल्लाह ताला ने सूरह तहा की इन आयतों में जो है नाजिल फरमाई है। अच्छा अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम जो है कुरान को पढ़ना चाहें तो फिर उसका क्या मामला है। एक बात जो है आखिरी इस मेरी गुफ्तगू का हिस्सा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि आम तौर पे हम ये समझते हैं कि कुरान क्योंकि अरबी ज़बान में नाजिल की गई है इसलिए इसका पढ़ना पढ़ाना हमारे लिए मुश्किल है। उसके लिए हमारे सामने मिसालें इस तरह आती हैं कि वो लोग जिनकी मादरी ज़बान उर्दू थी, तेलुगू थी, हिंदी थी, इन लोगों ने दुनिया की दूसरी ज़बानों में आला डिग्रियाँ हासिल की, PhD तक पहुँचे, उसके भी आगे गए, रिसर्च किया उन्होंने, फिर उन लोगों की ज़बान, जिन लोगों की यह ज़बान है उनके मुल्कों में जाके उनकी यूनिवर्सिटीज़ में बहैसियत प्रोफेसर उनको पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, जर्मन पढ़ाया, फ्रेंच पढ़ाया, डच पढ़ाया, उन्हीं के यूनिवर्सिटियों में रिकॉर्ड्स है। कैसे मुमकिन हुआ ये, जबकि दुनिया के जो है जो तज़िया निगार हैं, एनालिस्ट्स हैं, उन्होंने तज़िया करके साबित किया कि अरबी ज़बान दुनिया की तमाम ज़बानों में सबसे आसान है, और उन्होंने बताया कि देखिए ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं अली फलां फलां फलां, ये जो है यहाँ रिपीट हुए हैं, सुआद है, सीन है, तोय है, ता है, इस तरह ये जो है एक ही किस्म के जो प्रोनंसिएशन, जो तलफ़ुज़ हैं, जो मखारिज हैं, ये जो है दूसरी ज़बानों में नहीं है, ये आसान है। अगर हम पहले से अपना माइंडसेट बना लें कि ये ज़बान मैं पढ़ नहीं सकता, सीख नहीं सकता, तो फिर उसके लिए मुश्किल है, ये हमारे दिल की कजी है, हम पहले से जो है डिसाइड करके हैं। अच्छा एक और जो है उलमा अकराम ने हमारे लिए आसानी फरमा दी, वो लोग जो बचपन में जो है कुरान नहीं पढ़ सके, कुरान की तालीम हासिल नहीं कर सके, उन लोगों को अगर 60 साल की उम्र के बाद भी एहसास हो जाए अरे भाई मेरी तो उम्र गुजर गई और मैं कुरान पढ़ नहीं सका, तो उन्होंने कहा है कि उसके लिए ये समझ लेना है कि यही मेरा बचपन है और वहीं से उसको कुरान पढ़ना शुरू कर देना। और ऐसे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, मैं एक सहरसा जद्दा में काम किया हुआ हूँ, वहाँ पर मैं उन साहब से मिला नहीं लेकिन सुना के उनके रिटायरमेंट के बाद वो अपने बच्चों के साथ रह रहे थे और उन्होंने हिफ्स शुरू किया और शायद 3 साल के अरसे में उन्होंने जो है कुरान हिफ्स कर लिया 60 साल की उम्र के बाद, और कुछ अरसे बाद उनकी अहलिया ने भी कुरान हिफ्स किया। हमको तो कुरान हिफ्स करने की ज़रूरत हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक हाफिज़ कुरान बन जाए, लेकिन कम से कम उसको पढ़ें, तर्जुमा ही पढ़ें। चलिए अरबी हम अगर पूरी तरह नहीं सीख सक रहे हैं इस उम्र में तो कम से कम तर्जुमा ही पढ़ें, उसको समझें, अगर हम समझेंगे तो उस पर अमल कर सकेंगे, अगर हम समझते ही नहीं हैं उसको, समझना ही नहीं चाहते, तो फिर अमल कैसे करेंगे। और ये सब आयतें जो अल्लाह सुबहानहु तआला ने इसके फ़ज़ाइल के बारे में, कुरान के पढ़ने के फ़ज़ाइल के बारे में लिखे हैं, नाजिल फरमाए हैं, और इसकी वईदें हैं जो नुकसान हैं वो हमें कैसे मालूम होंगे। अच्छा एक और चीज़ है इसमें, अगर कोई ये कहते हैं कि कुरान का पढ़ना मुश्किल है, बात इससे पहले भी आई थी यहीं पर, बिल्कुल गलत है, चाहे वो आलिम हो, मुफ्ती हो, मुफस्सिर हो, कोई भी हो, अगर कोई कहता है कि आम आदमियों के लिए सिर्फ पढ़ के 10-10 नेकियां ही कमा लेना काफ़ी है, अगर इसको समझने की कोशिश करोगे और इसको इस पर अमल करने की कोशिश करोगे तो बहक जाओगे, ये गलत बात है, ये कुरान की नफ़ी है। जो भी कह रहा है वो अल्लाह की इस नाजिल करदा आयतों के ख़िलाफ़ कह रहा है। क्यों?
दलील हमारे पास मौजूद है वो क्या है, सूरह खमर में आयत नंबर 17, 22, 32 और 40, चार मरतबा अल्लाह ताला ने एक ही आयत को नाजिल फरमाया कि वलखद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री फहल में मुद्दकिर। तहकीक के हमने कुरान को आसान करके नाजिल किया नसीहत के लिए, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? यसरनल कुरान, हमने बचपन में यसरनल कुरान पढ़ा, उस वक्त तो हमें उसके माने मालूम नहीं थे, आज मालूम हुए कि यसरनल कुरान के माने हैं आसान कुरान। और ये कौन? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुभानहु व तआला, वलखद यसरनल कुरान, कि हमने तहकीक के हमने कुरान को आसान करके नाजिल किया। जो मालिकुल मुल्क है, जो इस कायनात का खालिक है, वो फरमा रहे हैं कि कुरान को हमने आसान करके नाजिल फरमाया है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये मुश्किल है तो ये कुरान की नफी है। ये इसको हम इस तरह लें कि कुरान का पढ़ना बिल्कुल ही आसान है, और अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो हम इसको समझ भी सकेंगे। अच्छा, एक और एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ जिससे सारी बातें हमारे सामने वाज़े हो जाएंगे कुरान के ताल्लुक से। इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है रिवायत की है, बैहक़ी ने जो है इसको शैबल ईमान में दर्ज किया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम 5 किस्म की आयतों पर मुश्तमिल है, एक हलाल और एक हराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हलाल है उसे हलाल ही रखो, अपने ऊपर हराम मत कर लो, यानी जिन आयतों में हलाल का जिक्र है तो उसे हलाल ही रखो, हराम मत कर लो, और जिन जो हराम है, जिन आयतों में जिन चीज़ों को हराम फरमाया गया है या कर दिया गया है उसको अपने ऊपर हलाल मत कर लो, यानी एक हलाल किस्म की आयतों में हलाल किस्म की बातें हैं, एक हराम। तीसरी जो है मुहक्कम, जिसमें अहकामात हैं, जिस जो वाज़े हैं, जिसको समझना मुश्किल नहीं है, जिस आयत को पढ़ने के बाद हमें किसी मौलाना के पास, किसी आलिम मुफ्ती या मुफस्सिर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ के समझ सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन मुहक्कम आयतों पर अमल करो। और फिर चौथी किस्में मुतशाबिहात, यानी ऐसी आयतें जिनके माने मतालब व मकासिद जो है वाज़े नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन पर ईमान रखो, इस पर यकीन रखो, इसके माने मतालब दरियाफ्त करने के पीछे पढ़ो मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही शख्स इनकी आयत, इस किस्म की मुतशाबिहात आयतों के पीछे वही शख्स पढ़ता है जिसके दिल में कजी हो, जिसके दिल में टेढ़ हो। जब हुक्म आ गया है कि मुतशाबिहात पे ईमान रखो, यकीन रखो, तो सिर्फ हमको यकीन रखना। ये चौथी किस्म की आयत है। पाँचवीं किस्म की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमसाल, यानी एग्ज़ाम्पल्स, मिसालें, और इससे इबरत हासिल करो। किसकी मिसालें? पुराने अकवाम की, पुराने नेशंस की, जैसे कौम आद है, कौम समूद है, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, कौम समूद, उसकी फिरौन की कौम, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, इन कौमों पर नाफरमानी की वजह से अल्लाह सुबहान व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम अजाब अजीम नाजिल फरमाया और इन पूरी कौमों को तहस नहस कर दिया, ऐसा बना दिया कि उनका नामो निशान भी दुनिया में बाकी नहीं रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन ये आयतें जब आए तुम्हारे सामने तो इससे पढ़कर इबरत हासिल करो। तो अजीज़ा ने गिरामी, पूरी कुरान का खुलासा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने रख दिया कि पूरी कुरान इस किस्म की आयतों पर मुश्तमिल है, मुश्तमिल है। अब देखिए आप जो है मुहक्कम आयतें क्या है, अभी मैंने आपके सामने तिलावत की, अलिफ लाम मीम मुतशाबिहात हैं, इसके माने नहीं पता, अल्लाह सुभान व तआला बेहतर जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, वाज़े हो गया मेरे सामने, मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ये अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अगर मुझे हकीकी तौर पर, हकीकत में अगर इस किताब से, कुरान करीम से हिदायत हासिल करना है तो मुझे अल्लाह से डर के जो है ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा, अल्लाह का तख्वा अख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह सुबहानहु ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उनको बजा लाना, जिनसे मना किया उनसे रुक जाना, ये तख्वा है। और इस तरह ये कामों को करते हुए, इन अहकामात को बजा लाते हुए हम अल्लाह का तख्वा अख्तियार हासिल करेंगे, परहेजगार बनेंगे, और फिर इस कुरान से जो है हिदायत हासिल करेंगे। अगर हम कुरान पढ़ते रहें, समझते रहें, लेकिन फिर अपने मामलात वैसे ही हैं दुनिया के साथ, दुनिया वालों के साथ, वही झूठ, वही फरेब, वही लोगों से धोखा दही, वादा करें उसके ख़िलाफ़ वर्जी करें, अहद करें तोड़ दें, और अल्लाह की राह में इन्फाक ना करें, तो फिर कुरान से हमें हिदायत मिलने वाली नहीं है।
अगर हम चाहते हैं कि कुरान से हिदायत हासिल करें तो ये सारी चीज़ें जिसमें जो इन आयतों में अगर हम फैज़ हासिल करना चाहते हैं कुरान से, तो इन आयतों में जो कहा गया कि ये वो लोग हैं जो है नमाज को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अदा करते हैं, और जो है अल्लाह की राह में खर्च, जो कुछ हमने दिया उसे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अगर इन चीज़ों को हम करने लगें तो यकीनन हम जो है कुरान से जो है फैज़ हासिल कर सकेंगे। तो आज की इस गुफ्तगू में मैंने आपके सामने जो पेश बातें पेश की उसका ख़ुलासा इस तरह है कि अल्लाह ताला ने कुरान के पढ़ने का हुक्म दिया है, और ये जो है सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो है हमारे दिलों की बीमारियों का के लिए शिफा है, वहदम व रहमत लिल मोमिनीन, और जो है ये हिदायत है और रहमत है मोमिनीन के लिए। तो कुरान को पढ़ना लाजिम है। हज़रत अबू मालिक अल अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो भी हदीस सुन लीजिए आखिर में, कि यह कुरान क़ियामत के दिन तुम्हारे हक़ में जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे हक़ में गवाही देगा या तुम्हारे खिलाफ। और इसी को जो है ज़ैद बिन अरखम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसको रिवायत की है, उसमें ये इन बातों का इजाफा है कि ये जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला से झगड़ा करके अपनी बात को मनवाएगा उन लोगों के हक़ में जो इस कुरान को पढ़ते थे, और उन्हें जन्नत तक पहुंचाएगा, और उन लोगों के ख़िलाफ़ गवाही देकर हुज्जत कायम करेगा, और उन्हें जहन्नम में पहुंचाएगा जो कुरान के जो है एराज करते थे या उसको नज़रअंदाज करते थे। तो ये बात हमारे सामने आई कि अगर हम कुरान को पढ़ते हैं तो कल कुरान हमारे हक़ में गवाही देगा, और जो है जो ज़िंदगी का हमारा मकसद है कि हम नेक आमाल करें और जन्नत में दाखिल हों, तो उसके लिए कुरान को पढ़ना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ लगे तो आपने जो फरमाया था कि मैं दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इसको पकड़ लोगे जकड़ लोगे तो गुमराह नहीं होगे, एक कुरान है और दूसरी मेरी सुन्नत। दूसरी बात हमको ये मालूम हुई कि इसके नहीं पढ़ने से हमारी रोज़ी भी तंग हो जाएगी और अल्लाह ताला क़ियामत के दिन हमें अंधा बनाकर उठाएगा, और जो पढ़ने वाले हैं उनको न सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु ताला जो है जन्नत में जो है दाखिल फरमाएंगे, और ख़ुद कुरान हमारे जो है इस पढ़ने की गवाही देगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह सुब्हानहु ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को, हमारी अहलो अयाल को, हमारी औलाद को, और हमारी आने वाली नस्लों को क़ियामत तक कुरान का पढ़ने वाला, उसको समझने वाला, उसको उस पर अमल करने वाला, और उसको दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।